तो फ्रेंड ये रहा सुरेमनपुर स्टेशन का मेन सीन, जो कि हम लोग यही इसी द्वार से हम लोग अंदर जा सकते हैं और ये पास में यहाँ पे काउंटर टिकट काउंटर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, उसके बाद हम चल कर दिखाते हैं आपको। अभी दोपहर के 12 बज रहा है इसलिए दुकानें बंद हैं, आप देख सकते हैं। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल ज्ञान ब्लॉग्स। दोस्तों आज हम जाएंगे सुरेमनपुर स्टेशन पर ब्लॉग बनाने, तो हमारे साथ जाएंगे अभिजीत केसरी जी, अमन जी और सनी जी जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। सुरेमनपुर स्टेशन पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और ये सुरेमनपुर स्टेशन है। अब हम लोग जाएंगे, अब सुरेमनपुर स्टेशन का पूरा लोकेशन आपको दिखाएंगे घूमकर। तो वीडियो में बने रहे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए मेरे साथ फ्रेंड है और हम लोग तीनों आदमी ब्लॉग बनाएंगे, और हमारे साथ हमारा कैमरा मैन रहेंगे ये अमन जी और इट इज़ अमन, जो कि बहुत ही बढ़िया फोटो से लेकर वीडियो से लेकर हर चीज़ बढ़िया एडिट करते हैं, और इनका भाई आकाश जो है वो मास्टर ब्लास्टर है। तो हम चलिए आपको दिखाते हैं सुरेमनपुर स्टेशन का पूरा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये सुरेमनपुर स्टेशन के बाहर का सीन है, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा दुकान है और ये सुरेमनपुर स्टेशन जाएगा। तो हम लोग अभी बाहर हैं, तो बाहर में आपको दिखा सकते हैं ये दुकान है यहाँ पे चाय की, सबसे फेमस चाय, जो कि सुरेमनपुर स्टेशन आइएगा तो चाय ज़रूर पी कर आइएगा, कहीं से भी हो लेकिन एक बार यहाँ का चाय ज़रूर पीजिएगा, बहुत ही फेमस चाय है यहाँ का, सबसे बढ़िया और ये सबसे क्वालिटी में चाय बनाते हैं। तो ये जो कि चाय वाले का दुकान का नाम है राजेश जी, जो कि राजेश जी फेमस हैं चाय के दुकान से। तो ये सुबह सुबह लिट्टी चना भी बेचते हैं, बिस्किट चाय, और आप देख सकते हैं बना रहे हैं चाय अभी ताज़ा ताज़ा, जब भी आएंगे तो ताज़ा ताज़ा आपको चाय मिलेगा। तो 6 रुपये का एक कप मिलेगा आपको, और बड़ा वाला कुल्हड़ी मिलेंगे तो आपको 12 रुपये मिलेगा। तो चलिए और आगे दिखाते हैं, अभी देखिए बना रहे हैं चाय, तो चाय पियेंगे उसके बाद हम और आगे दिखाएँगे आपको। तो फ्रेंड देख लीजिए ये दुकान है, चाय हम ले लिए हैं फाइनली, और चाय पियेंगे उसके बाद आपको बताएंगे चाय बढ़िया लग रहा है नहीं, चाय तो ऐसे बेस्ट बनाते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है मेन्यू, छोटा कप 6 रुपये, बड़ा कप 10 रुपये, यानी आप छोटा कप में चाय पियेंगे तो आपको 6 रुपये मिलेगा और बड़ा कप में चाय पियेंगे तो 10 रुपये मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं समोसा भी मिल रहा है यहाँ पे, तो अगर समोसा लेंगे तो एक समोसा आपको मिलेगा 5 रुपये का। तो आइए सुरेमनपुर कभी और यहाँ पर आप चाय समोसा आप खाइए और उसके बाद बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो दोस्तों ये देख सकते हैं बाहर का सीन है और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकान है, यहाँ पे लिट्टी चाय की, लिट्टी समोसा की दुकान है, यहाँ पे कचौड़ी मिलता है, और आगे चलेंगे आपको और आगे दिखाएंगे। तो चलिए और आगे चलते हैं, अभी देख लीजिए बाहर का सीन है, बाहर की सारी दुकानें लगी हैं। तो और आगे हम लोग चलेंगे और आगे चल कर हम दिखाते हैं, यहाँ पर पान गुटखा सिगरेट यहाँ मिलता है, यहाँ पर आपको नाश्ता मिलेगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ई रिक्शा लगे हुए हैं जो कि रानीगंज बैरिया बलिया होते हुए जाएगी, रानी अगर आप यहाँ से जाएंगे सुरेमनपुर से बैरिया तो आपको 20 रुपये किराया है। और आगे चलते हैं आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए दुर्जनपुर की तरफ से जाएगी रास्ता, जो कि देवी माता का मंदिर है वहाँ, तो ये रास्ता सीधे दुर्जनपुर जाएगी। अगर आपको दुर्जनपुर जाना होगा तो यहाँ से ई रिक्शा पकड़ कर आप दुर्जनपुर जा सकते हैं, यहाँ पर ई रिक्शा लगी है। और यहाँ से आप सीधे अगर रानीगंज जाएंगे तो 10 रुपये किराया है ई रिक्शा से, अगर बैरिया जाएंगे तो 20 रुपये लगेगा। यहाँ देखिए समोसा चाय दुकान है और यह मिठाई का दुकान है। तो और आगे चलते हैं आपको और आगे दिखाएँगे, तो वीडियो में बने रहें। अगर आप अभी तक आप मैंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखें यहाँ सुरेमनपुर स्टेशन चट्टी, जो कि बहुत ही बढ़िया चट्टी है, जो कि यहाँ पर हर चीज़ मिलता है आपको। यहाँ मोबाइल की दुकान है, अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो यहाँ मोबाइल भी बना सकते हैं, यहाँ पर चार्जिंग भी करा सकते हैं। यहाँ पर मिठाई की दुकान है, अनेकों कपड़ा का दुकान है, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। चलिए और आगे चलते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ये कपड़े की दुकान है, यहाँ चप्पल की दुकान है, यहाँ पे मोबाइल की दुकान है, यहाँ पान की दुकान है, यहाँ माँ दुर्गा कम्युनिकेशन है जो कि मोबाइल की दुकान है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सुरेमनपुर स्टेशन का मेन गेट है, जो कि इधर से हम लोग जाएंगे सुरेमनपुर स्टेशन की तरफ, और ये सब्जी मंडी है, चट्टी पर सब्जी मंडी लगती है, और यहाँ पे दुकानें हैं, और ये सीधे दुर्जनपुर तरफ जाएगी सुरेमनपुर होते। तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड अभी हम लोग आ चुके हैं सूर्यमनपुर स्टेशन, जो कि मेन स्टेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ एक नंबर प्लेटफार्म पर हम लोग हैं, और एक नंबर प्लेटफार्म पर हम आपको दिखाएंगे क्या क्या है, तो वीडियो में बने रहें। चलिए आगे चलते हैं। Kitchen to the bathroom sinking, your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. तो फ्रेंड आप देख सकते हो हम लोग सूर्यमनपुर स्टेशन के पास, जो कि टिकट जहां कटता है वहां हम लोग आ चुके हैं। ये निकासी जगह है और ये प्रतीक्षालय है, जो कि हम लोग टिकट जहां कटता है काउंटर उसके पास हम चलेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहां पे टिकट कटता है, और यहां पे 2-3 काउंटर हैं। आप देख सकते हैं लक्ष्य टिकट खिड़की, और ये यहाँ टिकट कटता है, यहाँ रिजर्वेशन का टिकट कटता है, यहाँ जनरल टिकट कटता है। तो चलिए बाहर का सीन दिखा दे रहे हैं, पहले ये अंदर का सीन पूरा दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद बाहर का सीन दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्ट है। This night is cold in the kingdom, I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking, your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये सूर्यमनपुर स्टेशन के बाहर का है, जो कि ये ऑटो स्टैंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो खड़ी होती है, और यहाँ पे ये जो मेन देख रहे हैं गेट, सूर्यमनपुर स्टेशन का मेन गेट है, जो कि यहाँ से एंट्री होती है और पास में टिकट कटता है। तो ये सारी दुकानें अभी बंद है फ़िलहाल, अभी कोई दुकान खुला नहीं है। आज 12 बज रहा है, जो कि दोपहर का 12 बज रहा है, तो अभी सारी दुकानें बंद हैं। तो सूर्यमनपुर स्टेशन जो कि छपरा और बलिया के बीच में पड़ता है, जो कि यहां से बहुत लोग यात्री सफ़र करते हैं, और ज़्यादा भी भीड़ भी होता है। तो ये देख सकते हैं मेन एंट्री है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं स्टेशन पर। आप देख सकते हैं सूर्यमनपुर स्टेशन का मेन गेट है ये। तो फ्रेंड अगर आप सूर्यमनपुर स्टेशन नहीं आए तो एक बार आइए और यहाँ से यात्रा करिए। This night is cold in the kingdom, I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking, your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. As I'm walking down the corridor, and I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man.
तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये ओवर ब्रिज है, जो कि ओवर ब्रिज बना हुआ 2 साल हो गया। तो ओवर ब्रिज बनने से बहुत लोग का लाभ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड ओवर ब्रिज का हम सीन दिखाते हैं, तो चलते हैं ऊपर और ओवर ब्रिज से आपको पूरा दिखाएंगे, ओवर ब्रिज के बारे में बताएंगे। तो देख सकते हैं ओवर ब्रिज बहुत बढ़िया बनाया है। तो और हम लोग चलते हैं ऊपर, उसके बाद और ऊपर से दिखाएँगे, नीचे का सीन दिखाएँगे। तो चलिए चलते हैं। This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. देख सकते हैं सुरेमनपुर में जो भी था आपको दिखा चुके हैं, और अभी कार्यक्रम चल रहा है, बहुत तेज़ी से कार्यक्रम चल रहा है सुरेमनपुर में, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आपको सब दिखा चुके हैं। अभी हम फिलहाल ओवर ब्रिज पर हैं, आप देख सकते हैं ओवर ब्रिज करीब 1-2 साल हो गया इसका बनना हुआ। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ये सोनू आए हैं साथ में, जो और ये ईटी जमन आए हैं। हेलो। और हम लोग तीनों लोग मिलकर वीडियो बना रहे हैं। अभिजीत जी बोल रहे हैं कि अभी घर पे मेरा काम है, इसलिए वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं है, तो हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं सुरेमनपुर में क्या क्या है। तो चलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हम सुरेमनपुर स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफार्म पर खड़े हैं, और ये 2 नंबर प्लेटफार्म है जो कि अभी तेज़ी से काम कार्यक्रम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ का ये लाइट है, और यहाँ पे लगाया गया है, और आप देख सकते हैं ये पटरी है, और यहाँ से ये बलिया के रास्ते हैं, और यहाँ से छपरा, और ये ओवर ब्रिज है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लाइट लगाया गया है। तो चलिए हम लाइट दिखा रहे हैं आपको। चंदा मामा ये देखिए, तो ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, आपको 2 नंबर प्लेटफार्म आपको घुमा दिए हैं। अब सीधे हम लोग जाएँगे 1 नंबर पर, और वहीं वीडियो समाप्त करेंगे।
दोस्तों ये देख सकते हैं स्टेशन के पास में जो 2 नंबर प्लेटफार्म है, ये पास में ये एक बगीचा है और बगीचे हैं, पेड़ हैं और यहाँ खेत हैं, खेत में आलू बोया गया है। हर तरह आप देख सकते हो फ्रेंड, ये रहा हरियाली है, काफ़ी सारा आनंद बढ़िया आता है यहाँ पे। गर्मी में तो मज़ा आता है स्टेशन पे घूमने में। तो और आगे चलते हैं, ये देखिए थप्पड़ पीट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया है आपको जी। सोनू जी, सोनू सोनू सूद के बाद यही है, वीडियो बना रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो देखिए अब आ चुके हैं, बस जो भी था मैं आपको दिखा चुका हूं, अभी दिखाएंगे यहां 1 नंबर प्लेटफार्म पर काम तेज़ी से चल रहा है रेलवे का, तो वो हम आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहे, चलते हैं 1 नंबर प्लेटफार्म पर, उसके बाद आपको दिखाएंगे 1 नंबर पर क्या कार्यक्रम चल रहा है अभी। तो फ्रेंड 2 नंबर प्लेटफार्म से हम लोग आ चुके हैं 1 नंबर प्लेटफार्म पर, आप देख सकते हैं काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, प्लेटफार्म अभी बन रहा है जो कि साफ सफाई हो रहा है। पहले तो गंदगी था बहुत ज़्यादा, अब काफ़ी साफ सफाई हो गया है, आप यह देख सकते हैं यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है सुनामनपुर स्टेशन पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रोड पर कार्यक्रम चल रहा है, जो कि प्लेटफार्म पर ये काम चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, तो चलिए और आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। तो आपको बता दूं जो सुरेमनपुर स्टेशन है, जो कि मधुबनी गांव, जो मेरा गांव है मधुबनी गांव, गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर होगा, है ना, डेढ़ किलोमीटर दूरी पर स्टेशन है, जो कि छपरा और बलिया के बीच में पड़ता है। यहां हर ट्रेनें रुकती है और बहुत ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं यहाँ से। तो अगर आपको कहीं दिल्ली हो या मुंबई हो या चेन्नई हो या सूरत कहीं भी जाना होगा तो यहाँ से रिजर्वेशन आराम से करा कर जा सकते हैं। तो एक बात और बता दूँ, ये स्टेशन जो सुरेमनपुर स्टेशन है बहुत ही पुराना स्टेशन है, जब हम लोग बचपन में छोटे थे खेलते थे तब सुरेमनपुर स्टेशन से सफर, तो लोकेशन था सुरेमनपुर स्टेशन में, सब हम आपको दिखा चुका हूँ और कार्यक्रम जो चल रहा है सब कुछ दिखा दिया हूँ। स्टेशन प्रगति पर है और ये देख सकते हैं अब थोड़ा शाम हो रहा है और दोस्तों और ये अमन है और ये सनी है। तो पूरा स्टेशन आपको लोकेशन दिखा चुका हूँ, इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूरा घूम लिया है ना स्टेशन? हाँ पूरा दिखाए हैं आप सबको वीडियो में, इसलिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, बाय बाय बाय।